तो दोस्तों किंग खान शाहरुख खान ने एक और बार इतिहास रच दिया है। जी हाँ, शाहरुख खान हर फील्ड में अपना नंबर डाल रहे हैं और इस बार अंबानी अदानी के साथ भी किंग खान ने बाजी मार ली है। जी हाँ, दरअसल सुपरस्टार शाहरुख खान की न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी खूब फैन फॉलोइंग है। वह अपने काम से लेकर हर अंदाज से लोगों का दिल जीतना अच्छे से जानते हैं। अब हाल ही में किंग खान ने एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। शाहरुख खान ने पहली बार हुरुन इंडिया की अमीरों की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार कोलकाता नाइट राइडर्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बिजनेस से कमाने वाले शाहरुख खान की नेटवर्थ 7,300 करोड़ है। इस मामले में शाहरुख खान ने जूही चावला और ऋतिक रोशन को भी पछाड़ दिया है, जहां जूही चावला की वेल्थ 4,600 है। दूसरी ओर ऋतिक रोशन की नेटवर्थ 2,000 करोड़ है। वही हुरुन इंडिया की अमीरों की लिस्ट में अमिताभ बच्चन चौथे स्थान पर है। कल की 2898 एडी के इस एक्टर की नेटवर्थ करीब 1600 करोड़ है। वही करण जौहर पांचवे स्थान पर है, जिसकी कुल वेल्थ 1400 करोड़ है। बता दें, शाहरुख खान की इस साल उनकी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेकिन पिछले साल रिलीज हुई पठान और जवान से उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब नोट छापे हैं, जिसमें किंग खान की वेल्थ में खूब इजाफा हुआ है। इसके अलावा विज्ञापन और बिजनेस से उन्हें काफी कमाई होती है। बात करें किंग खान के अपकमिंग मूवी की रिपोर्ट की माने तो किंग के कुछ मेजर हिस्सों की शूटिंग बुडापेस्ट में होगी। हालांकि पहले तय किया गया था कि इसे यूके में शूट किया जाएगा, मगर बाद में इसमें बदलाव किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स का मानना है कि वास्तुकला और विरासत के नजरिए से बुडापेस्ट यूके से कहीं ज्यादा रिच है। यहां की ऐतिहासिक इमारतें फिल्म के इंटेंस स्टोरी लाइन के बैकड्रॉप बुडापेस्ट का पेरिस कहा जाता है। यह यूरोप का बेहद पॉपुलर शहर है, जहां हर साल करीब 12 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं। इससे पहले भी हम दिल दे चुके सनम और जब हेरिमेट सेजल जैसी फिल्में यहां पर शूट हो चुकी है। वैसे दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी शाहरुख खान के डाई हार्ट फैन है तो ऐसे ही शाहरुख खान की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।